हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सी एन सी कैटगम। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि हमें अगर हम जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि अभी हम जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि पार्ट मॉडलिंग के हमने सारे ड्राइंग कंप्लीट कर ली हैं, और उसके बाद जो है हम क्या है असेंबली वगैरह सीखेंगे। इससे पहले हम कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, यानी कि पार्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं। पार्ट डिजाइनिंग किस तरीके से, कोई बॉडी पार्ट बनाना हो तो किस तरीके से हम डिजाइन करते हैं, तो उसके आज एक्सरसाइज नंबर 5 है, और इसी तरीके से हम देख सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी इसमें CNC प्रोग्रामिंग से रिलेटेड भी वीडियो आने वाली हैं। तो पहले आप ये देखते रहिए, इसके बाद ऑटोकैड और NSCAD कैम की भी वीडियो आएंगी, ठीक है? तो इसमें काफ़ी, यानी कि आपकी टेक्निकल चीज़ें काफ़ी मिलेंगी इस चैनल पर, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों, मैं सबसे पहले ये मुझे बनाना है, ये वाला इसमें बनाएंगे, तो इसके पहले मैं 3 सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है? मान लीजिए मैं प्लान ले लिया, फ्रंट प्लान ले लिया, और इसके बाद जो है ये देख लीजिए इस तरीके से, ये देख लीजिए मैंने 3 सर्कल ड्रॉ कर लिए, और इसमें हम देख लेते हैं डायमेंशन वगैरह क्या है। ये देख लीजिए 1, 11, 88, ये मैं दे देता हूँ। स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे, सबसे पहले ये 36 है, 36 का है, इसको दे देते हैं। उसके बाद जो है आपका 88 है, और इसके बाद जो है आपका 111 है, ठीक है? ये इस तरीके हमने दोस्तों दे दिया, और ये आप जैसे ही ब्लैक हो गया आप समझ लीजिए ये फुली डिफाइन है, यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है, इसी तरीके से दिखेगा। अभी मैं क्या करता हूँ, एक सेंटर लाइन ले लेता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है किसी भी चीज़ के लिए, और इसे आप बाद में डिलीट भी कर सकते हैं, और अगर ये शो भी करता है ड्राइंग में तो इससे कोई ये फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? और ये अभी आप कोई भी चीज़ें बनाने के लिए काफ़ी इसका रोल रहता है, ठीक है? अब जैसे अब देख लीजिए, मैं इसमें सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये स्लॉट बनानी है, तो मैं स्लॉट देख लूँगा किस तरीके से, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे तो इस लाइन से अगर हम इस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो समझ लीजिए, और एक ये तो इसके बीचों बीच में है, यानी कि ये लगभग आपका 45 डिग्री पे है, ठीक है? यानी कि ये जो आपका इस स्लॉट है 4 है, 360 डिग्री, 45 डिग्री का ये मान लीजिए, ठीक है? यहाँ से 45 पे है, और ये यहाँ से मान लीजिए ये 30 है, और 30 है, और ये 15 और 45, और इसके बीच में ये यहाँ से आ जाएगा 45 45 90 हो जाएगा, 90 चौका 360, ठीक है? तो इस तरीके से हम ले लेंगे। अभी मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये मान लीजिए एक लाइन ये मैं ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, यानी कंस्ट्रक्शन लाइन ले लो चाहे, यहाँ पे भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है? इस लाइन को मैंने एक ड्रॉ कर लिया ये लाइन, ठीक है? जैसे ये लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन को मैंने क्या किया, इसको सेंटर पे फिक्स है, फिक्स कर दिया। इसका मैं यहाँ से दे देता हूँ इसकी डायमेंशन, यहाँ से 45 डिग्री दे देता हूँ, ठीक है? फोर्टी फाइव डिग्री दे दिया, ये देखते डिफाइन होते ही ब्लैक हो गई। इसके बाद हमें करना क्या है, ये हमें बनाना है, यानी कि ये फ्लोट कितने का, 6 mm उसका लंबाई है, 4 mm विड्थ है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और एक लाइन मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगा, ठीक है? ये लाइन देख लीजिए, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, स्ट्रेट लाइन कर ली ड्रॉ इस तरीके की, और एक लाइन मैं और ड्रॉ कर लेता हूँ इस पे ही इस तरीके से, और एक लाइन इस तरीके से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है? तो दोस्तों, इसमें दिया हुआ क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो इसकी दी हुई कितनी है, 4 mm दी हुई है, ठीक है? तो हम इसको करेंगे क्या, पहले इसे हम दे देते हैं डायमेंशन, ये 3 mm, ये डायमेंशन दे देता हूँ इस तरीके से, यहाँ से कितनी है ये 20, ये कितना 3 है ना, 3 है, ये 3 आ गया, और ये दे देता हूँ 4, ये 4 है,
ये देखो दोस्तों, ये 4 है, जैसे ये करा ये डिफाइन हो गया, इसको हम जो है यहाँ से दिया मैंने ये, इसको हम अभी चाहे ना भी दें तो कोई दिक्कत नहीं, अभी बाद में दे देंगे, पहले मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से एक्सटेंड, ठीक है, ये कर देता हूँ एक्सटेंड। ये देखिए ये हो गई मेरी एक्सटेंड हो गई, इसके बाद जो है मैं जाऊँगा ट्रिम में, ट्रिम में जाने के बाद ये मैं लाइन कर दूँगा ड्रॉ, और ये भी कर दूँगा ट्रिम, ठीक है। अब मैं जो है इसकी डायमेंशन दे देता हूँ, ठीक, कितनी है इसकी डायमेंशन है, मान लीजिए 4 4, ये 4 हो गई, और ये जो था यहाँ से और यहाँ तक तो कितना था, ये कितनी थी, ये 4 थी और ये 3 थी ना, ये एंगल में आ गया इसे 3 3 पॉइंट 3, ये देखिए इस तरीके से, या इसे हम इस वाली को, इस 4 वाली को एक्सटेंड कर सकते हैं, कंट्रोल जेड कर लीजिए, ठीक है। ये था ना हमारा जो हमने क्या किया था, इस तरीके से किया था, ये डिफाइन कर दिया था, और इसे हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, पहले ट्रिम कर लेते हैं इसको, ये देख लीजिए इसे कर देंगे एक्सटेंड, ये देखिए ये, ठीक है, ये एक्सटेंड करने के बाद ये ट्रिम कर देंगे, 4 दिया हुआ है, इसकी डायमेंशन दे देंगे जितनी भी आएगी, क्योंकि थोड़ा वो जो उसमें ड्राइंग में दी हुई है वो बाहर की दी हुई थी, ठीक है, ये यहाँ की आ जाएगी, और ये इसकी 3 mm इसकी हो जाएगी, ठीक है, ये दोनों डायमेंशन इसकी आ गई। अब क्या करेंगे, इसे हम मिरर कर देंगे, ठीक है, इसे मिरर कर देंगे इस एंटिटी को, ये वाला और ये वाला, इसके अबाउट हम मिरर कर देते हैं, इसके अबाउट ये मैंने मिरर कर दिया, ये देख लीजिए मिरर करते ही, और ये मेरा यहाँ से इसके कर देता हूँ, ठीक है, ये दोस्तों मेरा एक वो बन गया स्लॉट। अब इसको मैं क्या करता हूँ, पैटर्न कराऊंगा, पैटर्न अभी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, ये सर्कुलर पैटर्न सारी कमांड की एक एक वीडियो बन रखी है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। ये सेलेक्ट कर लिया, ये सेलेक्ट कर लिया, ये सेलेक्ट कर लिया, कितने 4 हैं यहाँ पे, इक्वल 4 हैं, इस तरीके से हमें ये करना था, ये हमारा हो गया, ठीक है, ये दोस्तों मेरा बन चुका है, और नंबर ऑफ 4 है ये, ठीक है, ये 4 इसकी डायमेंशन शो कर रहा है, ठीक है, और इसकी जो है अब हम ही क्या करेंगे, इसकी लिमिट यहाँ से हम शो कर देंगे, डायमेंशन यहाँ से और यहाँ तक जितना भी आ रहा हो, मान लो ये 5 दिखा रहा है, ठीक है, ये जैसे करेंगे ये फुल्ली डिफाइन हो जाएगा, ये ड्राइंग में दिया नहीं था, ये मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है, इसको यहाँ पे वो कर दीजिए और इसको हटा दीजिए और इसको भी हटा दीजिए, ठीक है, ये इतना आपका रेडी हो गया। आप देखेंगे अगला क्या बनाना है हमें, अगला ये इतना रेडी हो गया, ये देख लीजिए, अब अगला बनाना है इस सर्किल पे, ये हमें कितने का बनाना है, 9 mm का बनाना है, और यहाँ से 30, यानी कि इसके स्टेट से ये 30 डिग्री पे होना चाहिए, तो इसे बना देते हैं, एक यहाँ से मान लीजिए एक सर्किल बना देता हूँ यहाँ मैं, कोई भी सर्किल है, और इसकी डायमेंशन मैं देता हूँ यहाँ से, और इसके लिए मैं एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, और इसको मैं क्या करूँगा, करता हूँ ट्रिम,
इसको मैं कर देता हूँ ट्रिम, यहाँ से इसको भी ट्रिम कर देता हूँ। अगर इसको हमें देखना है ये सर्किल इसके सेंटर पर है क्या नहीं है, तो हम इसको हटा के देख लेंगे। ये हो गया, और इसको भी हटा के देख लेंगे, ये सेंटर पर है ठीक है। अब बट इसकी हम डायमेंशन दे देते हैं, 9 mm का है ये, 9। और इसकी यहाँ से और यहाँ तक की कितनी है, 30, 15 है, 15 है, 15 है शायद, एक बार देख लेते हैं, ये 13 है, तो ये है 30, 30, ये 30 है, 30 पे हम कर देंगे इसको ठीक है। जैसे ही 30 पे करा, अब ये आप देख लीजिए यहाँ से 30 पे है, तो इसका मतलब ये 30 पे यहाँ से है, हमने कितना 30 दे दिया। अब हमें इस तरीके की 3-4 और बनानी है, बट पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एक चीज़ और बना लें, इसको इसको भी हम बना लेते हैं साथ साथ ठीक है। तो ये भी, ये कितने पे हुआ, ये पूरा टोटल, ये टोटल 30 का, तो ये 15 और ये 15 आएगा ठीक है। तो इसको एक हम इसमें लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से एक लाइन इधर ड्रॉ कर लेता हूँ, ये लाइन ले लिया एक, इसको हम दे देंगे एंगल, मान लीजिए ये कितना है यहाँ से और यहाँ तक, 15 ठीक है, तो 15 दे दिया। अब 15 के बाद हम इसको कर देते हैं ट्रिम, ट्रिम कर देंगे, ये मैंने कर दिया ट्रिम, ये कर दिया ट्रिम, और ये मैंने कर दिया ट्रिम ठीक है, ये कर दिया ट्रिम और ये कर दिया ट्रिम ठीक है। और ये जो है यहाँ से ओके, और इसका जो अच्छा एंगल था वो यहाँ से हट चुका है, तो इसलिए ये दिखा रहा, मैं एंगल यहाँ पे दोबारा से दे देता हूँ, इसके एंगल हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एंगल हमें दे दिया, और अब इसको हम इसको भी कर देता हूँ मिरर ठीक है, इस लाइन को इधर को मिरर कर देता हूँ, इसके अबाउट कर देता हूँ, ये हो गई मिरर, और ये मेरा बन गया, इसको ट्रिम कर देता हूँ। अब दोस्तों अच्छा गलत कर दिया हमने, ये हमें नीचे वाला रखना, ऊपर वाला हटाना ठीक है, तो इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं सर्किल को, ये देख लीजिए हमने ये गलत कर दिया, ये एक्सटेंड कर दें ठीक है, इधर से कर देते हैं ऐसे, कैन नॉट बी एक्सटेंडेड एनी फर्दर। अच्छा भाई क्यों नहीं होगा, क्या दिक्कत आ रही है इसमें, हमने ये हटा दिया तो हटाना नहीं चाहिए था, हम देख लेते हैं हमने कहाँ हटाया, अभी ये था ना, तो ये हमारा ये था, ये देखिए ठीक है, इसको अभी हटाना नहीं है। अभी इसको हम कर देते हैं मिरर इस लाइन को, और इसके अबाउट कर देते हैं इसके, ये बन गया ओके। अब हमको इसको करना है ट्रिम, क्या करना है हमें ट्रिम करना है, ये और ये और ये तो चीज़ें हमें करना है ट्रिम, ये करना है ठीक है, और ये भी हमें कर देना है, और इसमें क्या है एंगल दे देना है अलग से, ये यहाँ से दोनों का एंगल दे दो, ये 30 डिग्री एंगल था दोनों का, ये मैंने दे दिया ठीक है। और ये जैसे दोस्तों हम इसका एंगल देंगे, अब ये हमारा ये बन चुका है इतना, और अब हमें क्या है इसे करना है, क्या करना है पैटर्न, पैटर्न क्या क्या पैटर्न करना है, ये यहाँ से फिर सर्कुलर में जाएंगे, और ये सर्कुलर पैटर्न पहले हम इसको कर देते हैं, इसको ले लेंगे और इसको ले लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पैटर्न ठीक है, और इसको ले लेंगे,
इसको एक सेकंड, एक चीज़ और करके देखते हैं न्यू, ठीक है। मान लीजिए मैं इसको ट्रिम करके देखता हूँ, अगर नहीं होगा तो दोबारा कर लेते हैं। ये थोड़ा सा एक और अच्छा भी हो जाएगा, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, बढ़िया इस तरीके का है, ठीक है। और इसको हम कर देंगे, ये सारा हटा देता हूँ, बाद में मैं ड्रॉ कर लूँगा, ठीक है। जरूरत मुझे लगता नहीं कहीं पड़ेगी, ठीक है। ओके, अब मैं इसको करता हूँ पैटर्न, ये देख लीजिए। पैटर्न करने के लिए ये चले, ये सर्कुलर पैटर्न, और यहाँ से ये सेलेक्ट कर लो, और ये सेलेक्ट कर लो, और ये सेलेक्ट कर लो, कितने फोर करने, फोर ये हो गए, ये देख लीजिए ये पैटर्न फोर हो गए। अभी हमें एक चीज़ और पैटर्न करनी है, हमें ये सर्कल भी पैटर्न करने हैं, तो हम इसको बनाएंगे नंबर ऑफ सर्कुलर पैटर्न में, ये वाले कितने बनाएंगे, ये बना देंगे हम 12। और इसमें ये जो मैंने पहले ये इंस्टेंट टू स्किप का एक ट्यूटोरियल बनाया था, ये वहाँ जाकर आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ से इसको हटा देंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे, ये पूरा मैंने डिटेल में समझाया, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको हटा देंगे और इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। ये हट गया, और इसे कर देंगे ओके। आप देख लीजिए ये बन चुका आपका बॉडी। अभी इसमें क्या क्या चीज़ रह गई वो हमें देखना है। अभी ये देख लीजिए, इसमें ये बन गया, ये बन गया, ये भी बन चुका है, ये बन चुका है, ये थोड़ा सा अभी इसमें करना है, ये मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। ये ट्रिम कर देता हूँ इसको, इसको ट्रिम कर देते हैं भाई, इसको ट्रिम कर देते हैं, और इसको भी ट्रिम कर देते हैं। इसे कंस्ट्रक्शन लाइन में जाएं, कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। इसको कर देते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट, यहाँ से हो गया ये ओके, ठीक है। अब जो है ये देखना है कि ये हमारा लगभग पूरी बॉडी यानी कि रेडी हो गई, बट हमारा ये ग्रीन है। अब हमें इसे देखना है ये हमारा कहाँ पे, ये थोड़ा बहुत दिक्कत इसका कर रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये देख लीजिए। यहाँ से ओके कर दें, डायमेंशन से निकल गए हम, ये देख लीजिए, ये जैसे ये पॉइंट आया इसका, और हमारी इसका क्या है ये, और ये पॉइंट हम क्या कर देंगे, मैं का कॉन्सिडेंट ये नहीं हुआ, कहीं और वाले को जाकर पकड़ लिया, ठीक है। ये देख लीजिए ये अभी नहीं हुआ, ये कहाँ है, ये हमें करना है यहाँ, ठीक है। अब इसमें हम ये वाला भी हमारा रह गया, इसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर दें, ये इसका सारी चीज़ें हट गई हैं, इसलिए ये थोड़ा सा दिक्कत है। इसको मैं यहाँ से रेडियस दे देता हूँ, ठीक है, इस तरीके की रेडियस दे दिया। अभी इसको और इसके हिसाब से यहाँ से एक डिस्टेंस दे देता हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ से एक अलग एंगल ये लेगा नहीं, ये यहाँ से डिस्टेंस ले लेगा इस सेंटर से, और इसकी डिस्टेंस डिफाइन कर दो इस सेंटर से, ये यहाँ की इसकी ज़रूरत नहीं है। ये वाली और रह गई है, ये हमें जो है डिफाइन कर देनी है अपनी इसी उसमें, इसी भी में करना ना इसको, ये इसी पैटर्न में ये कर देंगे डिफाइन, हो गया। अभी दोस्तों ये वाला हमारा बच रहा है ये, ओके इसे कर दो यहाँ पे, ये पूरा हो गया, ठीक है।
अब इसकी जो हम डिस्टेंस है देख लेते हैं कितनी यहाँ से है, ठीक है। और डिस्टेंस दे देते हैं यहाँ से, देख लीजिए इसकी डिस्टेंस और इसकी कितनी आ रही है, यहाँ से 22 है, इसे 22 कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए डिस्टेंस देने के बाद तुरंत ये सारे फिक्स हो गए, ब्लैक हो गए, ओनली ये बच रहा है, इसकी भी हम डिस्टेंस दे देंगे तो ये भी हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इतना इसमें कोई इशू है नहीं, ठीक है। इसको यहाँ से एंगल भी दे सकते हो, ये देख लीजिए एंगल यहाँ से मेरा कितना था इसका, ये देखिए एंगल देते ही ये हमारा ये भी ब्लैक हो गया। एक ये बच रहा है, इसका भी इस साइड का भी हम दे देंगे तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। ये वाला व्यू दे दो, ये इसको लेगा नहीं, ठीक है। ये देखो हो गया, ये पूरा फुल्ली डिफाइन। अब यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया फुल्ली डिफाइन है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों ये फुल्ली डिफाइन हो गया बॉडी। अब इसको हम अगर चाहते हैं कि एक्सट्रूड करना, ठीक है, तो हम इसे एक्सट्रूड करके भी दिखा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कट करते हैं, ठीक है, और ये इस तरीके की कुछ देखने को मिलेगा। हम जाएंगे फीचर में, फीचर में जाने के बाद एक्सट्रूड, एक्सट्रूड कट करेंगे तो आप देख लेंगे ये ऑटोमेटिक हमारा ये स्केच काउंटर में बदल रहा है। अब इसको कितनी आपको हाइट देनी है वो आप अपने हिसाब से इसकी दे सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसे हम 20 mm का रहने दे रख देते हैं, और इसका ड्राफ्ट वगैरह भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ये देखिए इस तरीके का ये आपका मॉडल रेडी हो गया, ठीक है। काफ़ी देखने में भी आपको अच्छा लग रहा है। अभी इसको अगर मुझे कलर चेंज करना है तो मैं इसका कलर वगैरह भी चेंज यहाँ से कर सकता हूँ। स्टील का देना, स्टील में जो है कोई ये अच्छा कलर देना, ये इस टाइप का, तो ये देख लीजिए इस टाइप का कलर हो गया। अगर इसे और रंगीन देना, इस तरीके से बॉडी हम बना सकते हैं काफ़ी इजीली। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो दोस्तों पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और कमेंट्स करके बताएं कि ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा। अगर कोई भी समझने में दिक्कत हुई हो तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा, दोबारा से अच्छे से समझाऊँगा, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए दोस्तों। और आप लाइक करेंगे तो थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों ये बन बन गया, और ये काफ़ी देखने में भी अच्छा लग रहा है। आप जैसे भी चाहें उस तरीके से कर सकते हैं, और बाकी ट्यूटोरियल आप कमांड के देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से जाके आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।